नमस्कार, हम लोग अभी दूसरा ऑप्शन भरने जा रहे हैं। तो अपने वेबसाइट पे जाके हमारे को हमारा एप्लीकेशन नंबर डालना है, DEN वगैरह अगर डिप्लोमा के लिए है तो। उसके बाद में फिर हमको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। एक बार ये दोनों चीज़ें डाल दिए और कैप्चा हमने पोस्ट कर दिया, जैसे ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद में हमें लॉगिन पर क्रिएट क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमको ये ऑप्शन फॉर्म के लिए यहाँ पर लिंक दिखाई पड़ेगी। अब उस लिंक को क्लिक करके आपको स्टार्ट फिलिंग करना है। अब हम गवर्नमेंट एडेड, ऑटोनॉमस, नॉन माइनॉरिटी और मुंबई सबर्बन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे सेव एंड प्रोसीड। ये कंफर्म करने के बाद में ये हमारे कोर्सेज की लिस्ट आ गई। तो अभी कैसे, जो भी आपको कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है वो कोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार वो कर देने के बाद आगे फिर आपको यहाँ पर प्रिफ्रेंस पूछेगा। तो प्रिफ्रेंस में हमको जो सब्जेक्ट, जो कोर्स हमारे को एक नंबर पे देना है, जिसको दो नंबर पे देना है, यहाँ बताए हुए एरो से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अप्रैल है तो अप्रैल को उसको एक नंबर पे ले जाना है, तो वो ऐसे लेके जा सकती है। और इस तरीके से और कोई कोर्स को चेंज करना है तो पोजिशन वहाँ से चेंज कर सकती है। ये कर देने के बाद हमको सेव एंड प्रोसीड बोल के आगे बढ़ना है फिर। ओके, ये ध्यान रखिए, इधर अप एंड डाउन एरो है। इसके बाद में फिर हमने सेव एंड प्रोसीड बताया, इसके आगे जाने पर फिर हमको वो हमारी रैंक दिखेगी यहाँ पर। एक बार फिर से कंफर्म कर लो कि हमारी ये रैंक है, क्योंकि हम इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारी रैंक वहाँ पे फिर से दिखेगी, एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, तीन पे ये, चार पे ये हो गया कि हमने फिर पासवर्ड डाल देना है। हमारा जो भी पासवर्ड है वो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद में फिर अपने को ये पूछेगा। ओके, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ, हाँ ओके। इसके बाद में अब आपको OTP पूछेगा। OTP आपको डालना है यहाँ पर। एक बार फिर आपने OTP आपको मोबाइल पे SMS में आएगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका, वहाँ पर OTP आ जाने के बाद में आपने इसको वैलिडेट कर देना है। एक बार आपने इसको वैलिडेट कर दिया तो फिर आपका ऑप्शन राउंड कंप्लीट हो गया, यानी आपने ऑप्शंस भर दिए। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन इसलिए डाले क्योंकि ये सेकेंड राउंड है। अब यहाँ पे अपने को कोर्सेज को प्रेफरेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एडमिशन अभी नहीं हुआ है, और अगर सेकेंड लिस्ट में हमारे प्रिफर्ड कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है तो हमारा साल वेस्ट जा सकता है। तो हमारे को अभी प्रेफरेंस रखना है कि भैया चलो मुझे ये कोर्स नहीं मिलता है तो दूसरा मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं उसको उतना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर OTP आ गया है, OTP में टाइप करके वैलिडेट कर दूंगा। इसी तरीके से आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो मुश्किल से 2-3 मिनट का प्रोसेस है। आप इसमें अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है, आप ये मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको PC पे यूज़ करके बनाया है ये वीडियो। तो आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर साइड में देखिएगा, साइड में आपको डेस्कटॉप साइट मिलेगी। डेस्कटॉप क्रिएट कर दोगे तो आपको सेम इमेज वहाँ पर भी दिखाई पड़ने लगेगी, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम इसको प्रिंट चाहे तो प्रिंट करके हमारे पास में रख सकते हैं, ताकि हम इसको बाद में वेरीफाई करें। तो मैं यहाँ पे PDF क्रिएट करके रख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसको बाद में वेरीफाई कर सकूँ, चेक भी कर सकूँ, ठीक है।